नमस्ते, टेरिस किचन में आपका स्वागत है। आज हम रेस्टोरेंट स्टाइल में पनीर लबाबदार बनाएंगे। चलिए इसे बनाते हैं। मैंने यहाँ 200 ग्राम पनीर लिया है, जिसे मैंने ट्रायंगल शेप में काटा है। आप इसे अपने पसंद के शेप में काट सकते हैं। 2 मीडियम साइज के प्याज, जिसे मैंने एकदम बारीक काटा है। 4 टमाटर, इसे भी मैंने काट लिया है। फ्रेश क्रीम, तेज पत्ता, दालचीनी, इलायची, लौंग, काजू, अदरक, लहसुन, लाल मिर्च और मसाले में धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, कसूरी मेथी, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, चीनी, नमक और तेल लिया है। पैन में 2 गिलास पानी डालेंगे और इसे गर्म करेंगे। इसमें टमाटर, काजू, अदरक, लहसुन, लाल मिर्च, तेज पत्ता, दालचीनी, इलायची, लौंग और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इसे मिक्स करेंगे, इसे ढक देंगे और इसमें बॉयल आने तक इसे तेज फ्लेम पर पकाएंगे। इसमें बॉयल आ गया है, इसे ढक देंगे और इसे 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। टमाटर सॉफ्ट हो गया है, अब हम फ्लेम को बंद करेंगे और इसे थोड़ा देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये ठंडा हो गया है, इसमें से हम ये तेज पत्ता निकाल देंगे और इसे छानेंगे। इसे मिक्सी के जार में डालेंगे। इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, इसका यूज हम ग्रेवी बनाने में करेंगे और इसे पीस लेंगे। इसे भी हम छानेंगे। जो टमाटर वाला पानी है, ये पानी को हम मिक्सी के जार में थोड़ा सा डालेंगे और इसे हम इसमें डाल देंगे। इसे हम हटा देंगे। पैन में 2 चम्मच तेल डालेंगे और इसे गर्म करेंगे। इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच चीनी डालेंगे। इसे मिक्स करेंगे। इसमें ये बचा हुआ टमाटर वाला पानी डाल देंगे। इसे ढक देंगे और इसे 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। इसमें हम ये टमाटर वाला घोल डालेंगे। इसे मिक्स करेंगे और इसे ढककर 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी और 1/2 चम्मच गरम मसाला का पाउडर डालेंगे। इसे मिक्स करेंगे। इसमें पनीर डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। इसे ढककर 1 मिनट मीडियम फ्लेम पर और पकाएंगे। अब लास्ट में इसमें 1 चम्मच फ्रेश क्रीम डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। यह बिल्कुल तैयार है, अब हम फ्लेम को बंद करेंगे और इसे सर्व करेंगे। मैंने यहाँ 1 पीस पनीर बचा के रखा था, इसे हम इसके ऊपर कद्दूकस करके डालेंगे।